अगर मैं बात करती हूँ, किसके, एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अब पूरा ही एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, ठीक है, वर्सेस किसका, एडियाबेटिक, ई रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप देखते हैं, एडियाबेटिक है तो Q0 इधर भी Q, ठीक है। अच्छा इसका अगर मैं इनिशियल इनिशियल टेम्परेचर मैं मान लेती हूँ कि क्या है T1, इसके लिए भी T1 मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हम बोल लें कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो वर्क डन रिवर्सिबल, इसके लिए डेल्टा ई क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन, रिवर्सिबल, क्लियर है। अब ये तो जानते हैं कि रिवर्सिबल इज वर्क डन ई रिवर्सिबल, ये बात तो ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो हम ये भी बात यहाँ से बोल सकते हैं ना कि डेल्टा ई रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डेल्टा ई इरिवर्सिबल, बोल सकते हैं। राइट तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल, ऐसा भी बोल सकते हैं। एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक रिलेट कर पा रहे हो ना। वर्क डन ई के एनसीवी डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी तक आ गए, ठीक है। अच्छा अब T2 माइनस T1, ये रिवर्सिबल की बात थी, इज ग्रेटर देन T2 डैश माइनस T1, ऐसा ऐसा कह लें तो हम कह लें कि T2 और T2 डैश, ये ऑलवेज ऐसा कुछ बात आएगा, ये टेम्परेचर रिवर्सिबल का हो गया और ये टेम्परेचर इरिवर्सिबल का हो गया, क्लियर है। अब यहां से देखो, अगर कंप्रेशन बोल रहा है, ठीक है, तो कंप्रेशन के केस में क्या आ जाएगा, मैं कह लूं कंप्रेस कर रहे हो तो वर्क डन पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा ई भी पॉजिटिव, हाँ, और ऐसा कह लें कि ई बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, यानी कि इसमें हीटिंग की बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा यहां तक समझ में आया, ठीक है, क्लियर है ना बात। अच्छा अब हम ऐसा एक और चीज बोल सकते हैं कि इसका अगर मैं ग्राफ देखूं, ठीक है, इसका अगर मैं ऐसे ग्राफ बना लेती हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ, इसको मैंने बनाया क्या, इसको मैंने बनाया रिवर्सिबल, एडियाबेटिक, ठीक है। अच्छा इस टेम्परेचर की बात अगर मैं करूं, ठीक है, तो पी वर्सेस वी का ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा तो मैं कह लूँ कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए। अच्छा अब ये मैं कह लूँ कि ये तो T1 था, ठीक है, और ये यहाँ पे मैं कुछ मान लेती हूँ कि V2 डैश होगा इरिवर्सिबल का, ये इरिवर्सिबल का बात हो रहा है, तो ये एक T2 है, ठीक है, ये T1 T2 का हम टेम्परेचर बनाऊंगे, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ से, मतलब एक सेकंड, यहाँ से मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ से जो ये क्या है, ये तो P2 है, तो यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो मेरा P2 डैश होगा ये कहीं ऊपर होगा P2 डैश, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के, अब ये कैसे बोल दिया, ठीक है। तो हम कह लें कि अगर मैं मान लेती हूँ ये अगर मैं यही लाइन बनाई, यानी कि मैं क्या वॉल्यूम कांस्टेंट बोल रही हूँ, ठीक है। अच्छा अगर मैं वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट बोल रही हूँ, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, तो टी अगर ई रिवर्सिबल और टी रिवर्सिबल में ये ज्यादा है, तो पी ई रिवर्सिबल भी पी रिवर्सिबल से ज्यादा हो, कह सकते हैं ना। अच्छा दूसरा बात, सपोज मुझे पी कांस्टेंट गिवन दे रखा हो, ठीक है, तो उस केस में मैं कह लूं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, कहते हैं कि T2 डैश इरिवर्सिबल ऑलवेज ग्रेटर देन T2 रिवर्सिबल,
ठीक है, तो मैं कह लूं कि वी टू डैश ई रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन कितना, वी टू रिवर्सिबल, ऐसा भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा अब देखो, अब हम लोग अभी कंप्रेशन की बात किए थे, ठीक है, अब उसी में हम लोग क्या एक्सपेंशन की बात कर ले, ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा अब इसके बारे में बात करें तो देखो, फिर से मैं बोलूं क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, अगेन मैं सारी चीजें सभी सेम बोलूंगी, इनिशियल टेम्परेचर इधर भी टी वन मान लिया, इधर भी टी वन मान लिया, सेम जगह से जा रहा है, ठीक है। अच्छा तो डेल्टा ई, अगर मैं डेल्टा ई बोलूं तो वर्क ये किसका है, वर्क रिवर्सिबल, ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या, वर्क ई रिवर्सिबल, ऐसा ही बोलें, ठीक है। अच्छा अब फिर से वर्क रिवर्सिबल इज नॉट इक्वल्स टू वर्क ई रिवर्सिबल, बात सही है, तो वर्क रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क ई रिवर्सिबल, ठीक है। अच्छा यानी कि डेल्टा ई रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डेल्टा ई ई रिवर्सिबल, ठीक है। अच्छा यानी कि डेल्टा टी रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डेल्टा टी ई रिवर्सिबल, ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, टी टू माइनस टी वन इज ग्रेटर देन टी टू डैश माइनस टी वन, ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ से क्या निकल रहा है? अच्छा अगर ये बात हम ऐसा बोल रहे हैं तो यहाँ से भी तो सेम बात बोल रहे हैं ना, कि अगर ये एक्सपेंशन का केस होगा, अगर ये एक्सपेंशन का केस होगा, एक्सपैंड हुआ है यानी वर्क निगेटिव, ठीक है। अच्छा यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव करके मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लूं कि नेगेटिव में ये ज्यादा है तो पॉजिटिव में ऑलवेज टी टू ग्रेटर देन हो, टी टू डैश इज ग्रेटर देन टी टू बोल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव में ये ज्यादा है, राइट। हाँ तो ऑलवेज ऑलवेज ये क्या मुझे बता दिया कि चाहे तुम्हें, अच्छा यहाँ से पहले मैं लिख देती हूँ, तो डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है, यानी कि ई क्या हो रहा है कम, यानी टी क्या हो रहा है कम, यानी कि हम कूलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कूलिंग करो चाहे हीटिंग करो, मैं ऐसा कह लूं कि वहां पे भी क्या बात आया था, अगर मैं एक्सपेंशन करा रही थी तो ये बात आया था ना कि टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, टी टू डैश इज ग्रेटर देन टी टू, अब यहां से भी मैं इनडायरेक्टली तो ये बोल दी ना कि टी टू डैश इज ग्रेटर देन टी टू, यानी कि यहां से मैं क्या रिलेशन निकाल ली, यहां से मैं कह लूं कि चाहे एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो, ठीक है, या कंप्रेशन, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं कि फाइनल फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस irreversible is greater than किसके final temperature of किसके reversible, clear है, ठीक है। अच्छा अगेन उसी टाइप से इसका भी अगर कर्व बना ले, क्योंकि हम क्या अब हम एक्सपेंशन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम कह लें कि ये मेरा T1 इसको मान लेते हैं तो ये T2, ठीक है, अब ये T2 है तो मैं इसको कह लूं कि इस वाले बात पे यहाँ पे मैं क्या मान लूं, ये P वर्सेस V का ग्राफ है तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि ये क्या, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब हम कह लें क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो P डैश टू कहीं इधर होगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल की बात हो रही, ठीक है, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T है, है ना, तो हम कह लें कि T2 dash is greater than कितना, T2 बोल ही रहा है, यानी कि P2 dash क्या होगा, greater than T2 होगा, ये रहे बात, T2 कहीं ऊपर पॉइंट होगा, ये
वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ये क्या, ये अगर वी टू है, ये अगर वी टू है तो इधर कहीं क्या हो जाएगा, वी टू डैश हो जाएगा, क्लियर है। तो चाहे हम कूलिंग करें, हीटिंग करें, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन करें, कंप्रेशन करें, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मुझे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात आ रही है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का हमेशा हमेशा जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, हमेशा टेम्परेचर ज्यादा ही, क्लियर है।